जय श्री राधे। पूज्य श्री राधा बाबा कहते हैं कि जो आपने सत्संग में सुना है उसे जीवन में उतार लीजिए, यही मेरा प्रेम भरा निवेदन है। श्री हित हरिवंश महाप्रभु का जो कथन सभी सत्संगियों के लिए है वह आपको लिख के दे रहा हूँ कि तन ही राखु सत्संग में, मन ही प्रेम रस भेव, सुख चाहत हरिवंश हित कृष्ण कल्प तरु सेव। श्री हरिवंश महाप्रभु कहते हैं कि भैया तन को तो अवश्य सत्संग में रखें, परंतु मन को सदा प्रिया प्रीतम के प्रेम में ही भिगोए रखें। यदि मन को प्रभु प्रेम रस में नहीं भिगोया तो मन सूखी सत्संग की बातों को सुन तो लेगा परंतु उनमें पूरी तरह डूबेगा नहीं, और जब तक मन डूबेगा नहीं जीवन संसार जाल से निवृत्त नहीं हो पाएगा। मन को रस एवं स्नेह चाहिए, वह चाहे लाख समझाओ जाएगा वहीं जहां रस पाएगा, और समग्र विशुद्ध रस का दान करने में एकमात्र श्री कृष्ण ही कल्पतरु हैं, वे ही सर्व रस निधान हैं। अतः यदि सुख की चाह है तो उन परम रस निधान कृष्ण कल्पतरु का ही सेवन उचित है। निकसी कुंज ठाड़े भये भुजा परस्पर अंश, राधा वल्लभ मुख कमल निरखत हित हरिवंश। श्री हरिवंश महाप्रभु कहते हैं मैं पर उपदेश कुशल बहु तेरे की तरह केवल भाई तुझे उपदेश ही नहीं देता, मैं स्वयं भी दिन रात श्री राधा वल्लभ लाल का मुख कमल देखता रहता हूँ। आहा कैसा विलक्षण कुंज है जिसके चारों तरफ अशोक कदम्ब कचनार के वृक्ष पूर्ण कुसुमित खड़े हैं, कोकिलाओं का कुहू कुहू रव समग्र वनस्थल को मुखरित कर रहा है। ऐसे सुखद शोभा भरे कुंज प्रांगण में प्रिया प्रियतम परस्पर एक दूसरे के कंधों पर हाथ रखे कुंज महल से बाहर आकर खड़े हो जाते हैं। वे इस कुंज प्रांगण के मध्यस्थ एक परम सुंदर पारिजात वृक्ष की ओर बढ़ते हैं और वहाँ एक आसन पीठ में समासीन हो जाते हैं। सबसों हित निहकाम मन वृंदावन विश्राम, राधा वल्लभ लाल को हृदय ध्यान मुख नाम। भाई यदि तू कहे कि मुझे तो राधा वल्लभ लाल के दर्शन नहीं होते तो तुझे उनके दर्शन का साधन बताता हूँ। तू सभी जड़ चेतन में श्री राधा वल्लभ लाल को भरा अनुभव कर और सबसे निष्काम मन रखता हुआ प्रेम कर, वृंदावन की भूमि में विश्राम कर और हृदय में श्री राधा वल्लभ लाल का ध्यान करने की चेष्टा कर और मुख से राधा कृष्ण नाम का निरंतर उच्चारण करता रहे। रसना कटौ जो अनुरटो, निरखी अनफुटो नयन, श्रवण फुटो जो अन सुनो बिनु राधा जस बैन। अरे भाई तेरा यह निश्चय इतना अमोघ दृढ़ होना चाहिए कि यदि तेरी रसना नाम की रट नहीं लगावे तो तू उसे काट डाले, और यदि ये आँखें उनकी छवि नहीं देखें तो उन्हें फोड़ दिया जाए, और ये कान यदि श्री राधा रानी के सुयश की वाणी अनसुनी करते हों तो इन्हें भी फोड़ दिया जाए। यदि ऐसा तेरा अमोघ दृढ़ निश्चय होगा तो निश्चय ही यह तेरा साधन दीर्घकालिक और अनवरत बिना विक्षेप चलता रहेगा। बस यह साधन चलता रहा तो एक न एक दिन अवश्य तुझ पर प्रिया प्रियतम की कृपा वर्षा हो जाएगी और वे तुझे दर्शन देकर कृतार्थ कर देंगे। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय श्री राधे। पूज्य श्री राधा बाबा कहते हैं कि जो